अब सीखेंगे सवाल नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, कितनी बार फेंका जाता है? एक बार। तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है एक अभाज्य संख्या। देखिए पासा ऐसा होता है, आपने देखा होगा, और पासे में कुल अंक 6 अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जैसे आपका डस्टर, ठीक है ऐसे। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6। पहला प्रश्न है एक अभाज्य संख्या हो, कई संख्या हो? अभाज्य। अब इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होगी? एक तो भाज्य विभाज्य में नहीं आती है, तो कौन सी होगी? 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या है। यानी नंबर ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 2 3 और 5, ये अभाज्य संख्या है इसके लिए। तो P of A हो जाएगा 3 बटे कुल परिणाम 6, अर्थात 1 बटे 2। P of A बराबर 1 बटे 2। इसी तरह से दूसरा देखो, घटना बी, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, 2 और 6 के बीच की, 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या आई? 3 3 4 और 5, यानी नंबर ऑफ बी बराबर हो गई 3। तो पी ऑफ ए बी की प्रायिकता होगी 3 बटे 6, अर्थात 1 बटे 2। इसी तरह से घटना नंबर 3 यानी सी, एक विषम संख्या हो, विषम संख्या किसे कहते हैं? एकीकरण संख्या, 1 3 और 5, ये भी कितनी हो गई? 3, अर्थात नंबर ऑफ सी बराबर 3 3 बटे 6, अर्थात 1 बटे 2। देखो कुल परिणाम सब में 6 ही है, 6 6 6, एकदम इजी सवाल है, शांति सवाल करना है, कोई सवाल 13, सवाल नंबर 13 तक सभी सवाल आपको आ जाएंगे, जो मैंने पहले लेक्चर में करा था उसमें से भी 1 से 6 तक के सवाल इसी में से आपको मिल जाएंगे। भोले बाबा की जय।